प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 के लिए मतदान के बाद से ही लोगों में इस बात की जिज्ञासा है कि क्या प्रदेश में भाजपा चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस का 15 वर्षों का वनवास खत्म होगा। गली और मोहल्लों के साथ ही चाय की गुमटी और पान की दुकानों पर यही चर्चा है कि किसकी सरकार होगी। हमने इस मामले में प्रदेश के ख्यात ज्योतिष नागर जी महाराज से चर्चा की। नागर जी महाराज ने प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में कांटे का मुकाबला है ये बताया, जबकि इंदौर में भाजपा को 5 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। विधानसभा 2018 के चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, अब कयासों का दौर जारी है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर आमजन तक ये कयास लगा रहे हैं कि किसकी सरकार होगी। नागर गुरु जी जो ये बताएंगे कि ज्योतिष के माध्यम से कि प्रदेश में किसकी सरकार होगी और इंदौर में कौन उम्मीदवार जनप्रतिनिधि बनेगा। गुरु जी, मतदान हो चुका और इस बार जो है वो प्रतिशत भी अच्छा रहा है। पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 75% मतदान हुआ है। तो क्या देखते हैं आप ज्योतिष विद्या के माध्यम से, देखें अगर बात करें तो किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है? देखिए, इस बार के जो चुनाव के जो मतदान की जो तारीख थी, उस दिन बहुत ही उथल पुथल वाले नक्षत्र चल रहे थे गोचर में। सुबह पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हुई जो कि बहुत अच्छा, पर बड़ा धीमी गति का था सब कुछ। लेकिन जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र आया जिसका स्वामी राहु है, और उसने आते ही एकदम से प्रतिशत बढ़ाया। अभी बड़े चमत्कारिक परिणाम आने की उम्मीद है, क्योंकि राहु क्या बड़ा षड्यंत्रकारी है, राहु बड़ा गुप्त है, अचानक क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही मकर राशि में जो केतु का भ्रमण चल रहा है वो भी अचानक बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, इस बार जहाँ तक बात करें, कांग्रेस जो है उसकी अपनी जो मिथुन राशि है, और सोनिया जी जिनका अपना भी मिथुन लग्न है, इधर देखें कर्मचारी का से घिरी हुई है इस वक्त बीजेपी। कांग्रेस, सोनिया गांधी और कर्मचारी और किसान, इन लोगों का बहुत ज़्यादा नकारात्मक वोट जो है गया है सत्तारूढ़ पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बड़े कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ है कि जिनको शनि प्रतिनिधित्व करता था अभी तक, जैसे हम दलित बोल सकते हैं, वो लोग इस बार थोड़ा झुके हैं, उठे हैं, और उनके अंदर उत्थान की एक प्रक्रिया जागृत हुई है और वो वोट जो है बीजेपी की ओर जा रहा है। लेकिन जो संभ्रांत वर्ग था, जो हमेशा से बीजेपी का वोट कहा जा सकता था, वो इस बार झुक करके थोड़ा कांग्रेस की तरफ गया कि नई आशा के साथ। बहुत सारी निराशाएँ थी उनकी, अपने किसानों की निराशाएँ, भले ही बहुत प्रयास किए हों, लेकिन चूंकि मिथुन राशि किसान की, जैसे कि किसान नाम ही आता तो मिथुन राशि पर आता, अंदर का आक्रोश है। और मुझे लगता है दोपहर बाद जो मतदान हुआ है उसमें निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखता है। गुरु जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि दोपहर बाद मतदान हुआ, तेज आया और लोगों ने अपने आक्रोश का जो है वो मत व्यक्त किया, तो क्या किसान का जो आक्रोश था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो लगभग 90% तक का मतदान हुआ है, तो ऐसे में ये सारा आक्रोश बीजेपी के विरुद्ध जाता दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत वोट बढ़ गए हैं। मतलब जो आक्रोश में कुछ बीजेपी के फेवर के भी वोट बढ़े हैं कि नहीं यार मतदान ही नहीं हुआ है, चले चलते हैं। क्योंकि उस वक्त तक एक बात और है कि मालवा में जो इस वक्त का जो वर्ष विचार करते हैं हम, उसमें मंगल का प्रभाव है और नर्मदा के तटों पे जो है शनि का प्रभाव है। शनि बहुत ही, जो बहुत कमजोर लोग हैं उनका कारक है, लेकिन पानी के स्थान पे राहु का प्रभाव बड़ा विचलित करता है लोगों को, तो वहां से हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को ना हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से कई कई जगह पर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जो सोचा भी नहीं होगा उन्होंने। तो मैं कह रहा हूं ना कि इस बार बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ, बहुत ही टक्कर वाला चुनाव, और ग्रहों नक्षत्रों की चाल अगर हम देखें तो एक तरफा किसी को अगर मिलती हुई दिख रही है सत्ता, मुझे लगता है अंततोगत्वा बीजेपी सरकार बना सकती है। गुरुजी, ऐसा कहते हैं कि मालवा निमाड़ जो है वो पूरा बेल्ट है, वो सत्ता की चाबी होता है। मतलब अगर प्रदेश में किसी को सत्ता पर काबिज होना है तो वो मालवा निमाड़ की अधिक से अधिक सीटें लें। पिछली बार भी करीब 45 के करीब सीटें
भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 66 सीटें यहाँ मालवा निमाड़ से हैं। इस बार मालवा निमाड़ को आप कैसे देख रहे हैं आपके साथ? जैसे मैंने वही कहा भी आपसे कि निमाड़ में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर शनि का है, बड़ा स्थायित्व तो है। और मध्य प्रदेश में शिवराज जी जैसे हैं, उनको भी अभी इस वक्त जो गुरु बदले हैं वो थोड़े ठीक नहीं। वृश्चिक में गुरु का जाना मंगल के घर में, ऐसे मित्र है उनका, पर कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष के साथ में सत्ता संभालता है। लेकिन नर्मदा के क्षेत्र या निमाड़ के क्षेत्र की बात करूं, वहां पे थोड़ा परिवर्तन होगा, हो सकता है कि वहां कांग्रेस को फायदा हो। लेकिन जो मालवा का क्षेत्र है वहां से बीजेपी अपने जो परंपरागत वोट है उन पे काबिज रहेगी, हो सकता है थोड़ा बड़ा भी ले। क्योंकि मैंने कहा ना कि आक्रोश में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के में जो कुछ लोग हैं वो बीजेपी के फेवर में है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ की राशि अंतर आ जाता है, जैसे हम इंदौर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वृषभ राशि है, शनि की ढैया ऑलरेडी चल रही है, और जो जो लोग भी इस वक्त शनि से संबंधित हैं उन लोगों को यहाँ पर फायदा होता दिखेगा। हाँ बिल्कुल, हम इसी पर आने वाले थे कि मालवा निमाड़ की महत्वपूर्ण सीट में से जो इंदौर जिला है उसकी 9 विधानसभा सीटें बड़ा महत्वपूर्ण महत्व रखती हैं पूरे प्रदेश में। 9 विधानसभा पर अगर हम बात करें तो क्या कहता है आपका गणित? देखिए इसमें ये मान के चलिए आपकी 5-4 का रेशो, 5 पे मुझे लगता है कि बीजेपी फिर हाथ मारेगी, 4 सीटों पे कांग्रेस का वर्चस्व दिखता है। वो कौन सी होगी वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम बात करें थोड़ा क्षेत्रवार बात करें तो एक नंबर जैसे हम कहें कि शुक्ला जी और सुदर्शन गुप्ता जी की बात है, तो यहाँ पर सुदर्शन गुप्ता की जो राशि है उसमें कुछ ग्रह उनके, हो सकता है कि उन्होंने कुछ जो वाणी बोली हो ऐसी जिसके कारण से नाराज होते हुए दिख रहे हैं लोग बाग, लेकिन अंततोगत्वा सुदर्शन गुप्ता मुझे लगता है जीत जाएंगे। बात करें 2 नंबर सीट की, यहाँ पे मोहन सिंह सेंगर और रमेश मेंदोला जी के बीच में है। रमेश मेंदोला जी की जो राशि तुला है और मोहन जी की राशि जो है सिंह राशि है, उसमें उनको राहु का भ्रमण चल रहा है जो कि मार्च के बाद चेंज होगा, तो इस वक्त रमेश मेंदोला जी यहाँ पर जीत बरकरार अपनी रख सकते हैं ज्योतिषीय आधार पर जी। और हम बात करें 3 नंबर की, 3 नंबर में अगर कोई भी गणित अगर लगाते हैं हम तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिफल जो है आकाश विजयवर्गीय की ओर जाता दिखाई दे रहा है और वो अंततोगत्वा अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। 4 नंबर में बहुत ज़्यादा मामला है, चड्डा जी का मामला है, जैसे एक तो उसमें मालिनी गौड़ हैं तो मालिनी गौड़ यहाँ पर अपनी सीट बरकरार रखेंगी जिस तरह से ज्योतिष गणित है। हालांकि उनकी जन्म पत्रिका में पिछली बार से इस बार सीट उनका वोटों का अंतर जो है बहुत कम होगा और कम मतलब मामला जम पाएगा, लेकिन अंततोगत्वा वो जीत जाएंगी जी। 5 नंबर में पटेल जी हैं हमारे भाजपा के, महेंद्र हाडिया जी हैं, तो यहाँ पर हाडिया जी को इस बार बहुत टक्कर मिलने वाली है। महेंद्र जी को अपनी सीट हो सकता है संभालने में बहुत दिक्कत आ जाए, तो यहाँ पर थोड़ा पटेल का पलड़ा भारी है कुछ कुछ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, ये हम कह सकते हैं। आगे आपका प्रश्न राहु, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में राहु है, महू है, देपालपुर है और सांवेर है, ये 4 सीट आप वैसे ही अभी बता चुके हैं कि ये चारों सीट जो है वो कांग्रेस की ओर जाती हुई नजर आ रही, पर अगर हम ज्योतिषी गणित के हिसाब से बात करें तो किसका पल? नहीं, इसमें वही है कि जैसे ये जो चारों सीट हैं इनमें कांग्रेस का दबदबा है ना। जैसे मनोज पटेल जी का मामला है, वहाँ पर भी टक्कर है थोड़ी सी, क्योंकि उनको राहु चल रहा है और राहु के कारण से उनको इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है और लोकप्रियता में भी कमी आई है उनके, ज्योतिष गणित से कह रहा हूँ मैं, कोई इसमें मेरा कोई अन्य उच्छेद नहीं है या अन्य संशोधन नहीं है, पर हो सकता है वो सीट निकाल लें, लेकिन बहुत कठिनाई के साथ एड़ी चोटी का जोर उनको लगाना पड़ेगा जी। ये सांवेर और राहु की बात करें तो राहु में हम ये कह सकते हैं कि जीतू पटवारी हैं, वो अपनी सीट निकाल ले जाएंगे जी। हाँ मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र पूरा भाजपा के कब्जे में रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कांग्रेस के कब्जे में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि का जो शनि है वो स्थायित्व की बात करता है कि जो पहले चला आ रहा है उसको चलने दो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार मंगल का प्रभाव है और मंगल का थोड़ा आक्रोशित है वो, तो इसके कारण से ऐसा हो सकता है जी। तो ये थे नागर गुरु जी जिनका कहना है कि प्रदेश में इस बार मुकाबला कांटे का है, और इंदौर की बात करें तो इंदौर पर वो साफ तौर से जो दूसरे लोग भी कयास लगा रहे हैं वही ज्योतिष गणित भी कह रहा है कि शहरी क्षेत्र है जो वो भाजपा को मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र है वो कांग्रेस के
पाले में जाएगा, लेकिन ये सारे कयास ही है और ज्योतिष भविष्यवाणियां ही है। असल जो परिणाम है वो 11 दिसंबर को सामने आएंगे। कैमरामैन नीलेश करोसिया के साथ प्रवीण सावंत, डीजीएनआर न्यूज़, इंदौर।